सलाम वालेकुम भाई। ये एफ सी एरिया ACLC वाली गली है, ये देख लें आप, पूरा फुल हो गया, गाड़ियाँ डूब चुकी हैं, घरों के अंदर जो है पानी आ चुका है सारा, ये घरों के अंदर सारा पानी अंदर दाखिल हो चुका है। ठीक है, ये हमारी ब्रांच है। ये इस वक्त मूसा कॉलोनी का ये हाल है, नदी का। और ज़ाहिर है आप लोग ये देख सकते हैं कि ये आजू बाजू दोनों नदी के दोनों तरफ के जो घर हैं वो इस वक्त डूब चुके हैं। और ज़ाहिर है कि इस वक्त मस्जिद जो हैं वो भी इसमें आई हुई है, दो तीन मस्जिद है दोनों साइडों पर, वो भी इस वक्त पूरी समझे तकरीबन डूब चुकी है। बस अब ये है कि लोग अपनी मदद आपके तहत नीचे घरों से सामान निकाल करके ऊपर की तरफ रख रहे हैं या इलाके से बाहर निकाल रहे हैं। और बस अल्लाह ताला बहरहाल इस पर रहम करे इस चीज़ पे या इस हालत पर, क्योंकि इस वक्त अफरादी कुव्वत अगर हम ये चाहें कि इसको कुछ देख सकें तो नहीं कम से कम देख सकते, मुहैया ज़रूर कर सकते हैं कि चलें घरों पर जो सामान है उसको निकाल के ऊपर की तरफ रखा जाए या एरिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये देख लें आप अलीगढ़ कॉलोनी औरंगी टाउन, ये हमारा पानी देखें आप, यहाँ पे पानी पानी है। और ये देखें डूब रहा बंदा, ये बंदा डूब रहा है, देखें आप देख रहे हैं किस तरह है। ये देखो इसको, अबे इसको पकड़ो। वैसे और ये अलीगढ़ कॉलोनी औरंगी टाउन कराची, ये पानी आप देखें सारा दुकानों में भी गया है और घरों में भी लोगों के गया है। और ये हर साल का मामूल है कि एंड टाइम पे बिल्कुल सफाई वगैरह के इंतजाम किए जाते हैं हमारी गवर्नमेंट की तरफ से। कुछ व्यूज और ये हर साल का मामूल है लोगों के दुकानों में पानी जाना। और इस टाइम अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ लाखों का नुकसान है लोगों की दुकानों का, लाखों का, नई नई चप्पलें, लोगों के घरों के सामान, कीमती अशिया जितनी भी हैं सब लोग आ रहे हैं। और यहाँ पर कराची की हाल है,